अभी कुछ दिनों पहले की ही तो बात है जब अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी को बचाने के लिए वो किसी भी रास्ते पर चल सकते हैं। मतलब साफ था कि अखिलेश सत्ता के लिए अपनी धुर विरोधी पार्टी बसपा के भी साथ जा सकते हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई थी। ये माना जा रहा था कि अखिलेश नतीजे से पहले ही अपनी हार मान चुके हैं, शायद तभी उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। लेकिन यूपी के नतीजों ने मानो अखिलेश के सपनों पर पानी फेर दिया है। यूपी की जनता इस कदर दोनों पार्टियों को नजरअंदाज कर देगी, ये तो शायद अखिलेश ने भी नहीं सोचा होगा। और उनका बुआ के साथ साइकिल पर चलने का जो सपना था, उन सभी सपनों पर चुनाव के नतीजों ने पानी फेर दिया है। सूबे में आलम ये है कि दोनों बड़ी पार्टियां 100 के आंकड़े में सिमट कर रह गई हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।